हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खैरियत के साथ होंगे। अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, तो देखिए आप लोग मैं क्या बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाने के लिए सूजी ली है, मैंने दही ली है, जितनी दही उतनी सूजी, एक बाउल आधा बाउल जितनी ज़रूरत के हिसाब से। तो पौना बाउल मैंने सूजी ली है, पौन बाउल मतलब एक बाउल से कम दही ली है। इसके साथ चटनी बनेगी, तो चटनी के लिए हरी मिर्च है, दो दो लहसुन के जवा हैं, आधी इंच अदरक है, भुने हुए चने हैं, नारियल, इमली, तो ये इसको एक साथ मिला के पीसना है हमें। और बाकी बाकी चीज़ें मैं जब बनाऊंगी ना, सूजी का जो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ उसमें डालने के लिए, ऊपर से गाजर है, प्याज है, शिमला मिर्च है, धनिया का पत्ता है और मिर्च है। आप हरी मिर्च डालें या लाल मिर्च डालें, इतनी चीज़ें हमें लगेगा। नमक सूजी में टेस्ट के हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से नमक डाल दिए, बहुत ज़्यादा ना डालिए। और ये दही दही मिक्स करके इसको मुझे 15 मिनट से 15 से 20 मिनट छोड़ना है। अब इसमें पानी जाएगा, सूजी जब फूल जाएगी तो ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। लास्ट में जब जरूरत पड़ेगी तो और पानी डाल देंगे। बस इसको रेस्ट पे रख दीजिए। ये चीज़ें जो मैंने बताई थी सब मिक्सी में डाल दिया मैंने। इमली थोड़ा सा है, 4-5 बीज जो होते हैं ना उसे बीज निकाल दिए हैं, और इमली उसके गूदे जो जो होता है पल्प वो ले लिए हैं। इसको पानी डाल के पीस लेंगे। चटनी पीस गई हमारी, अब इसमें छौंका लगा रही हूँ मैं। तेल रख दिया है, इसमें राई डाल दिया 600, ये लाल मिर्च है दो तोड़ के डाल दिया मैंने, तो कुछ करी के पत्ते डाल दिए, इसमें सौंफ लगा दिया। ये गैस पे मैंने पैन रख के इसमें तेल लगा लिया है, तेज गर्म नहीं करना है, हल्का। सूजी भी हमारी होगी 15 से 20 मिनट, तो ये इनो डाला मैंने, अलग अलग करके डालूंगी मैं, एक बार नहीं डालूंगी। ये हल्का सा चिली फ्लेक्स डाल दिया मैंने, आपको ग्रीन मिर्ची डालनी ग्रीन डालिए, और बच्चों को देना तो नहीं डालिए। कैरेट है, जो सब्जी आपको पसंद हो डाल लीजिए, शिमला मिर्च, प्याज, धनिया पत्ता। सिम गैस करके इसको 2 मिनट एक साइड से बनने दें, फिर पलटेंगे हम, पलटते हैं फिर दिखाती हूँ मैं। अब एक साइड से हो गया है ये, इसको पलट रही हूँ मैं। गैस को कम ही रखिए। ये हमारा एक रेडी हो गया उत्तपम। एक रेडी हो गया ये हमारा। सब्जी वगैरह अपने पसंद से डालें, इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं, मैंने टमाटर नहीं लिया है। और बहुत लाइट होता है ये, लाइट नाश्ता है, फटाफट बन जाता है। तेल वगैरह समझिए बिल्कुल ही नहीं है, खाली बर्तन में जिसमें बना रहे हैं पैन में हल्का सा ग्रीस किया लगाया है, मतलब बस इसी तरह और भी बना लूँगी मैं।
इन लोगों को तेल नहीं खाना है, बहुत कम, डॉक्टर जैसे कहते हैं ना कम तेल खाना है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ही है, लाइट है बिल्कुल, और सूजी और दही है, नुकसान करने वाली कोई चीज़ नहीं है। और एक जैसे एक मैंने बनाया ना, अलग अलग मैंने इनो डाला है, एक साथ नहीं डाला क्योंकि फ़ौरन बनाना होता है, तो एक ये बना जो है उत्तपम, इसमें 1 से 1.25 ग्राम डाला है, एक पाउच में 5 ग्राम होता है, तो आराम से उसमें 4 उत्तपम बनेगा, 4 से 5 उत्तपम बन जाएगा। तो हमारा दूसरा उत्तपम भी रेडी हो गया, ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट उत्तपम रेडी है, बहुत ही लाइट होता है। और लोग तो बना के खाते होंगे, जो लोग नहीं बनाते हैं वो बना के इसे खाएं, टेस्ट भी है और तेल वगैरह नहीं है, तो नाश्ते के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी भी है। अब बच्चों को जब देना हो तो स्कूल में छोटे छोटे बनाएं, घर में खाने के लिए बड़े ठीक है, बच्चों को छोटे छोटे बना के दें। हमारी पोती है 4 साल की, तो उनके स्कूल में हफ्ते में 1 दिन उत्पम भी देना होता है, तो मैं छोटे छोटे, तो ये बहुत लाइट ब्रेकफास्ट है, हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूर बनाइए आप, बहुत ईजी है, मुझे तो बहुत ईजी लगता है, आप लोगों को भी ईजी लगेगा, तो बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोकोनट चटनी के साथ खाइए, इससे ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्जी है, जिस चटनी से खाना चाहें खाएं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।